हर एक स्टूडेंट्स फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद अगर बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप रिटेल स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद का कर सकते हैं, पीसीडी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से आपको कौन सा चुनना है, तो डिपेंड है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी बिजनेस आइडिया और आपका फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है आपको या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, तो इसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे और भी कंपैरिजन के वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, जैसे पीसीडी मैन्युफैक्चरिंग हो या थर्ड पार्टी हो, मेडिकल स्टोर हो, एक्सपोर्ट करना है, मेडिकल डिवाइसेस करने, कौन सी चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है, कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सा बेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए ट्राई करूँगा। लेकिन ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट पास आउट है या फिर नए एंटरप्रेन्योर के लिए, ये कंपैरिजन बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगी कि आप किस चीज़ के लिए परफेक्ट है, आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। और एक नोटिफिकेशन आप सभी को देनी है कि अनएकेडमी की तरफ से लास्ट मिनट मैराथन स्ट्रैटेजी स्टार्ट होने जा रही है, न्यू बैच जो 25 नवंबर सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। जो स्टूडेंट्स यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कवर हो गए 3 घंटे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें, और प्लान कैसे करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, क्विक कैसे प्रिपरेशन करना है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, उसे मिस्टेक अवॉइड करना, साथ में आपको टिप्स भी देंगे कि कितने कम समय में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स और कम से कम मिस्टेक आप करेंगे। तो अनएकेडमी हमेशा कोशिश करता है आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट गाइडेंस देने की, जैसे आप इसके लिए प्रिपेयर हो और ड्रीम इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अनएकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ये कोर्स आप डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा मेडिकल स्टोर और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्टर और दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है, मतलब आपके पास लगभग 4 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, तो मेडिकल स्टोर इज द बेस्ट ऑप्शन इनिशियल लेवल पे। एंड देन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं, लाइक मार्केटिंग टीम आपको रखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आगे जाके मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होता है और ये एक बिजनेस अलग है। जस्ट लाइक ये आपकी कंपनी खुद की रहेगी यहाँ पे, जो मार्केट में आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इसके लिए आप सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी, इसमें रोलिंग मनी भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट 10 लाख या उससे आगे है तो आप ये कीजिए, कम में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड है आपके प्रोडक्ट कितने मार्केट में आ रहे हैं और आप कितना खर्चा कर रहे हैं ब्रांडिंग पे, आपकी मार्केटिंग टीम पे। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब दूसरा ये कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट अगर ये है कि आपको खुद की दुकान स्टार्ट करनी है या यहाँ पे आपको महीना 25,000-30,000 से आपका इनकम आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ठीक है, तो मेडिकल स्टोर इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। होता यह है कि आपके मेडिकल स्टोर्स पे कस्टमर आएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे कस्टमर प्रिस्क्राइब्ड अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो आपके एरिया के नंबर ऑफ डॉक्टर्स कौन से हैं, कितने एरिया में कितने डॉक्टर हैं, लगभग 5 या 6 डॉक्टर एक्चुअली होते हैं, तो वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट बना के वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो मेडिसिन अवेलेबल करना है आपको, और पेशेंट जो डायरेक्टली आते हैं उनके मेडिसिन आपको रखने, ये चीज़ें करनी है आपको। धीरे धीरे वो पता चल जाएगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है, आप इसी चीज़ों में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो मेडिकल स्टोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का माइंडसेट आपका थोड़ा रिस्क टेकिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आप खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं इसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, बिजनेस टीम डेवलप करनी पड़ती है, और आपका जो प्रोडक्ट है उस पर फोकस करना पड़ता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको करनी है, और फील्ड में जाने के बाद डॉक्टर कन्वर्सेशन करना है, रिटेल स्टोर से बात करनी है, आपका प्रोडक्ट जनरेट करना है, मतलब लीड जनरेट करनी है, सेल कैसे होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी हैंडल करना है, तो ये सारे मल्टीपल थेरेपी आपको करनी है।
तो इसके लिए आप अगर रिस्क टेकिंग है, आपके पास पैसा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, आपका माइंडसेट तो बड़े बिजनेस कुछ करने का है, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर में ही जा सकते हैं। अब मार्केटिंग ये फैक्टर कंसिडर करते हैं तो मेडिकल स्टोर में मार्केटिंग एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो क्योंकि मार्केटिंग आपको मेडिकल स्टोर में क्या करनी पड़ती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन पैड देने पड़ते हैं और कस्टमर को कभी आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाने, तो वो चीज़ें आप उसके लिए आपने वीडियो देखा नहीं तो ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर डिफरेंट टिप्स मैंने दे दिए। तो ऐसा है मेडिकल स्टोर का, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, आपको एक मार्केटिंग टीम रखनी पड़ती है, आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऐसी टीम रख के उस पर मॉनिटर करके वहां से काम करवा के लेके आना पड़ता है, आपको उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, प्रोडक्ट अपडेशन देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसके लिए मार्केटिंग ये एक मेन पॉइंट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन मेडिकल स्टोर में आप मार्केटिंग करोगे, अगर आपका माइंडसेट है कि मार्केटिंग आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ऑनलाइन एडवर्टाइज देनी है वो तो हो जाएगा आपका, धीरे धीरे कस्टमर ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, आपको डॉक्टर से अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ानी है, तो ये इजी टास्क है आपके लिए, मेडिकल स्टोर स्टार्ट कीजिए। और आपका ब्रॉड माइंड है, बहुत सारे एरिया में आपको घूमना है, हर जगह पर डॉक्टर को मिलना है, वहाँ से कन्वर्जन लेके प्रोडक्ट बनाने, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में बात करेंगे, लोकेशन मेडिकल स्टोर में बहुत मैटर करता है, आपका लोकेशन मेडिकल स्टोर का जो यहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल है वहाँ पे होगा तो बहुत अच्छा है, प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा आएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं, आपके लोकेशन मैटर नहीं करता, कहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका काम मैटर करता है, जितना काम आप करते हैं, जितना मार्केट में घूमते हैं, जितने लोगों से आप कॉन्टैक्ट करते हैं, और ये फैक्टर और एक है कि आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में, डॉक्टर से बढ़ते हैं, आपके कॉम्पिटिटर हो गए तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, रिटेलर से बढ़ते हैं, होलसेलर से बढ़ते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ते हैं, लेकिन एज अ मेडिकल स्टोर आपके कॉन्टैक्ट इतने नहीं बढ़ते जितने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बढ़ते हैं। इसके लिए ब्रॉड माइंड, ब्रॉड व्यूज, ब्रॉड बिजनेस विजन अगर होती है तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे तो आप मेडिकल स्टोर में खुद के ब्रांड आप नहीं सेल करते, यहाँ पे खुद के ब्रांड का सवाल ही नहीं होता, आप एक तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कौन सी भी पीसीडी कंपनी दूसरी की होती है वो सेल करते हैं, एक्चुअली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे सेल करते हैं, डायरेक्टली सेल करते हैं, इवन इन जेनरिक सर्जिकल आल्सो, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं, आपका खुद का ब्रांड है, एक प्राइड होता है, खुद का ब्रांड होता है, आपके खुद के ब्रांड पे अगर आपका ट्रस्ट हो, अगर वो सेल अच्छा होता है तो वहाँ पे रॉयल्टी मिलती है, मतलब बहुत ब्रॉड यहाँ पे सेल होने के बाद आपको यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा होता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन मेडिकल स्टोर में आपको मैक्सिमम 20-25% इवन 30% तक मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में 30-35% ईजिली आपको मिल सकता है, तो डिपेंड है आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में डॉक्टर को, बहुत सारी कंपनीज है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तक पहुंचती है, अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है, अच्छी डिटेलिंग वहां से ट्रेनिंग करके लेती है, प्रोडक्ट्स पे ध्यान ज्यादा देती है, तो ये सारी चीजें करने के बाद डेफिनेटली प्रोडक्ट का मार्जिन भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन यहां पे चैलेंजेस क्या है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको नंबर ऑफ डॉक्टर से मिलना है, वहां से कन्वर्जन लेके आना है, आपके प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट अगर वो डॉक्टर उस ब्रांड किसी ब्रांड के लिख रहा है तो उसमें और आप प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे हाईलाइट करनी पड़ती है, तो इस पर काम करना पड़ता है, प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है, मेडिकल स्टोर पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर का एक एडवांटेज ये है कि आप एक कस्टमर को अगर पेंटोप्राजल डोमपेरिडोन के प्रिस्क्रिप्शन है उसको, तो आपको मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं, लाइक आप मेडिकल स्टोर पे उस कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो कंपनी होती है वो हर एक कॉम्बिनेशन का एक ही ब्रांड आपका होता है, तो इसके लिए आपको उस पे ध्यान देना ही पड़ता है। और एक बार डिपेंडेंसी की बात करेंगे, मेडिकल स्टोर की डिपेंडेंसी डॉक्टर पे रहती है, कस्टमर पे रहती है, आपके एरिया जहाँ पे मेडिकल स्टोर है लगभग 2000-3000 लोग यहाँ पे रहते हैं, डॉक्टर 4-5 है, तो वहीं से सेल आएगा आपको, ठीक है, बाहर से सेल आएगा लेकिन उस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा और वो भी गारंटेड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से सेल नहीं आ रहा, मल्टीपल डॉक्टर देख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर एरिया वाइज देख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट जितने ज़्यादा, जितनी कैटेगरी आपकी ज़्यादा, जितने कॉल्स आपके ज़्यादा होंगे उतना आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। टाइम लिमिट के बारे में भी बात करेंगे, मेडिकल स्टोर्स का टाइम देखिए, सुबह 9 बजे से दोपहर तक या कंटिन्यू 12 घंटे भी चालू रहता है, कभी कभी 24 आवर्स भी स्टार्ट रहता है, तो ये एक यहाँ पे
डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे करना पड़ता है मेडिकल स्टोर में, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फिजिकली आपको यहाँ पे प्रेजेंट रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आप डॉक्टर के क्लिनिक कितने टाइम का है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे विजिट करेंगे, पहले प्लान करेंगे तो आपको सेल डेफिनेटली बढ़ेगा, आपका टाइम आपका है, फ्रीडम मिलेगा आपको यहाँ पे। लेकिन मेडिकल स्टोर में ऐसा फ्रीडम नहीं मिलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी, यहाँ पे मेडिकल स्टोर में डॉक्यूमेंटेशन कम लगते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से ज़्यादा लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डिफरेंस है। तो ये मैंने बताया कि मेडिकल स्टोर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर ही आप करेंगे तो यहीं पे रहना है आपको। मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के बाद इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है और इनिशियल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत रहती है, ऐसा है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैंने डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है मेडिकल स्टोर पे, हाउ टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब एक जीरो नॉलेज से आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 मॉड्यूल्स में मैंने पूरे कवर किए कि मेडिकल स्टोर स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करने के, लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ढूंढने का लोकेशन, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, आप अपनी खुद की मल्टीपल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ई फार्मेसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिसिन अरेंज कैसे करने, और बहुत सारी चीजें यहां पे मैंने बताई है। तो अगर आपको वो कोर्स परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके डिटेल दी है, यहाँ पे आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं myPharmaCareer2@gmail.com फॉर फर्दर गाइडेंस। तो मैंने उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये हो गया रिटेल फार्मेसी के बारे में। लेकिन थर्ड पार्टी में अगर आपको ब्रांडिंग, RCPA, आपके MR को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, या फिर आप स्टूडेंट है, करियर गाइडेंस चाहते हैं आप, या डिजिटल मार्केटिंग आपके कंपनी का करना है, तो हमारी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। इसके लिए भी हमारे मेल ID myPharmaCareer2@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो ये सारी डिटेल्स मैंने बताई। ये वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।